सज गई अयोध्या, बनकर तैयार हो रहा भव्य राम मंदिर। लेकिन कई सवाल आज भी ये हैं कि जिस अयोध्या ने इतने सालों तक माता सीता का श्राप झेला, जो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक रहा, क्या वो अब खत्म होने वाला है? देखिए, राम मंदिर ही नहीं, इसके साथ साथ 32,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं से पूरी अयोध्या नए क्लेवर के साथ तैयार होती दिखाई दे रही है। जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है और चारों तरफ सिर्फ भगवान राम के रंग में रंगी अयोध्या नजर आ रही है, वहीं हनुमान और अंगद से लेकर रामपथ के नाम से शानदार सड़कें और भारतीय संस्कृति की अद्भुत वास्तुकला का जीवंत उदाहरण नजर आ रहा है। क्या ऐसी ही होगी नई अयोध्या? अयोध्या में इन दिनों क्या चल रहा है? अगर बात की जाए और भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो इसे समझने के लिए और जानने के लिए महज एक शब्द ही काफी है, और वो है राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पर लंबी लड़ाई के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पौराणिक आधार पर कहा जाता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता को लक्ष्मण जी वन तक छोड़ने आए थे। इसी दौरान माता सीता दुखी थी और तब उन्होंने श्राप दिया कि अयोध्या युगों युगों तक उदास और दुखी रहेगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन यहाँ खुशी का एहसास नहीं होगा। जहाँ एक तरफ आज अयोध्या में बड़े पैमाने पर विकास की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास से कोसों दूर यहाँ के खंडहर मंदिर और भवनों को देखकर तो अब तक यही लगता था कि अयोध्या पर माता सीता का श्राप आज भी कायम कर रहा है। लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण शुरू होते ही अयोध्या अपने लंबे कालखंड के श्राप से बाहर निकलती नजर आ रही है। जल्द ही राम नगरी अयोध्या दुनिया भर में धर्म आध्यात्म के साथ ही उन्नत और हाईटेक सिटी के रूप में जानी जाएगी। तो अब वहां के लोगों द्वारा ये सुना जा सकता है कि माता सीता के श्राप से शायद अब अयोध्या को मुक्ति मिल रही है। अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प होता दिख रहा है। राम मंदिर निर्माण में तेजी और इसके उद्घाटन को लेकर जो तैयारी देखी जा रही है, इसमें देश विदेश के साधु संतों से लेकर कलाकारों और करीब 125 देश प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। अयोध्या को विश्व स्तर शहर बनाने की दिशा में सड़कों के चौड़ीकरण, नालियां, सिविर, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने से लेकर प्रमुख मार्गों के भवनों का सुंदरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही आधारभूत संरचनाओं को वैश्विक स्तर का बनाने के साथ यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाईटेक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन निर्माण किया जा रहा है। आगामी दिनों में राम नगरी के महत्व को देखते हुए अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में लग्जरी होटल्स और गेस्ट हाउस का जाल भी बिछता जा रहा है। और जिस तरह से अयोध्या पूरी तरह से हाईटेक हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि माता सीता का जो श्राप है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर कोई यही दुआ कर रहा है कि माता सीता ने जो श्राप अयोध्या को दिया था, उससे उन्हें अब मुक्ति मिल जाए। और माता सीता से यही प्रार्थना हर कोई कर रहा है, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है।